नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और सबसे बड़ी खबर पर। कोरोना को मात देकर घर पहुंचा एक योद्धा। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपको पता है दीवा प्रभाग समिति में एक युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो युवक कोरोना को मात देकर अपने घर परिवार पर पहुँच चुका है, अपने घर परिवार समेत अपने घर पर आ चुका है। वहीं क्या कहा म्युनिसिपल के डेप्यूटी कमिश्नर मनीष जोशी ने इस संदर्भ में हमारे मुंब्रा दीवा की आवाम से। आइए चलते एक झलक डालते आज की इस विशेष खबर पर। मास्क लगाइए, हर समय अपने हाथ धोते रहिए। अगर आप ये तीन चीज करते रहे तो मुझे नहीं लगता आपको ये बीमारी कभी भी होगी। आज दीवा प्रभाग समिति के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और एक अच्छा और खुशी का दिन है कि आज हमारा राहुल चौरसिया ठीक ठाक होके अपने घर वापस आया। इसके लिए मैं राज्य सरकार, हमारे जिला के पालक मंत्री, थाने महानगर पालिका के कमिश्नर, दीवा प्रभाग समिति के सर्व सम्माननीय सदस्य और प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज एक सर्वसाधारण घर का लड़का राहुल चौरसिया, उसे इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला कि वो 14 दिन खत्म होते होते ही अपने घर ठीक ठाक वापस आए। पूरे देश के लिए यही संदेश है कि सरकार ने जो इस बीमारी के संबंध में जो गाइडलाइंस दे रखी है उसका फॉलो किया जाए। वापस रिपीट करता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, हर समय हाथ धोते रहिए और प्लीज़ मास्क पहनिए। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लॉकडाउन हो रखा है, घर के नीचे कृपया मत आइए। परिमंडल एक च्या हद्दीत हा पहिला पेशंट आहे जो की बरा होऊन परत त्याच्या घरी आला। दिवा में अभी तक एक ही पेशंट आया है और वो भी पेशंट सुखरूप वापस घर आ गया। दीवा प्रभाग समिति की सफलता में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए, मनीष सर देख रहे हैं, चलेश भाई यहाँ देख रहे, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि दीवा प्रभाग समिति के इस सफलता के पीछे राज क्या है। अभी जब आप आ रहे थे आपको रोड पे कोई दिखा? नो सर, ये राज है क्योंकि दीवा प्रभाग समिति में लॉकडाउन जो है वो 100% फॉलो हो रहा है और किसी भी प्रभाग समिति में लॉकडाउन इतने अच्छे से फॉलो हो नहीं रहा है। और इसका पूरा जो श्रेय जाता है यहाँ के जो स्थानिक लोक प्रतिनिधि हैं, मडवी साहब हैं, शैलेश पाटिल हैं, मुंडे साहब हैं, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर है सुनील बोरे, इन सबको ये योगदान जाता है कि उन्होंने, ये कंटेनमेंट जोन है लेकिन ये कंटेनमेंट जोन में ऑलमोस्ट 14 जगह उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है। तो ये हमारा रेड जोन था, अभी नहीं है। तो जब ये रेड जोन था कोई भी किसी को एंट्री नहीं थी, कोई यहाँ से बाहर जा नहीं रहा था। तो इसीलिए अगर कोई हम में से कोई इन्फेक्टेड अगर आदमी भी होगा तो उसकी वजह से जिसको बोलते हैं ना इन्फेक्शन, किसी को हुआ नहीं है। और इसी के लिए दीवा प्रभाग समिति सारे कॉरपोरेशन में मुझे तो लगता है अव्वल। महापालिका प्रशासन माध्यमातून शिबिरीचे ट्रीटमेंट करण्यात आले आणि दिव्याकरांसाठी खुशीची गोष्ट आहे की आज हा पेशंट जो कोरोना पॉझिटिव्ह सापडलेला तो नेगेटिव्ह आलेला आहे आणि त्याचं दिव्याकरांनी स्वागत केलेलं आहे। दिव्याकरांच्या माध्यमातून आज शास्त्रीय शिबिरा सकाळी नियमांचं पालन करून सुरक्षित होण्याचा प्रयत्न प्रशासनाच्या माध्यमातून आम्ही केलेला आहे। आव्हान करते आम्ही काही दाखवले म्हणून सुरक्षित राहण्याचा सोशल डिस्टन्स पाळावं, आपल्या घरात राहावं, भाजीपाला हरित धान्यांच्या नावानी सातत्याने दिवसभर येऊन प्रशासनाला पोलिसांना त्रास देऊ नये, ही सगळी प्रशासन आपल्यासाठी प्रयत्न करते आहे। तुम्ही पत्रकार देखील
कोविड-19 का खबर लेने के लिए जो प्रयत्न करते थोड़ी देखिए स्वतंत्र विवेकानंदा माध्यम से ठाणे महापालिका राज्य शासन आणि पोलीस प्रशासनाचं आणि विशेषतः महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव साहेब ठाकरे यांचं मी विवेकानंदाच्या वतीने मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. बस आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ में. जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे. जय हिंद जय महाराष्ट्र. चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें.